हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के प्लान एक्चुअली हम लोग लास्ट वीक से बना रहे हैं, तो हम निकल चुके हैं सुबह 7 बजे से, एचएल से हम लोग निकल चुके हैं बेंगलोर से। तो अभी होसुर क्रॉस हो चुका है, मैं थोड़ी झपकी ले लिया था मैंने, तो अभी आँख खुली है तो मैंने देखा होसुर निकल चुका है और यहाँ पर तमिल लैंग्वेज दिखने लगी थी मुझे, तो मैं समझ गया हाँ तमिलनाडु में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अभी आपको ले चलते हैं पौंडीचेरी और दिखाते हैं वहाँ के सारे बीचेस। बने रहिएगा व्लॉग में, लेट्स गो। तो गाइज 7 आवर्स की जर्नी के बाद फाइनली ही हम लोग पहुंच चुके हैं पौंडीचेरी। यहाँ से आपको पौंडीचेरी का एंट्रेंस दिख जाएगा और अभी हमारी एंट्री पौंडीचेरी में हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ जहाँ पर हमने चेक इन करना है, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं उसके बाद। तो फाइनली गाइज हम लोगों ने चेक इन कर लिया है हमारे 2 BHK जो एयरबीएनबी से हमने ऑर्डर किया था, अराउंड 6000 का हमको पड़ा था। तो अभी हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और एसी है इसके अंदर और आपको अराउंड 6000 से स्टार्टिंग मिल जाएंगे, 5000 से स्टार्टिंग यहाँ पर अगर आप स्टे देखना चाहते हैं। और मैंने जो जूम कार बुक की थी उसका अराउंड 5600 पड़ा था, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना आपका खर्चा होने वाला है अगर आप आ रहे हैं। और हम 4 लोग हैं, सो यहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ हमारा 2 BHK जो हाउस मिला है हमको। यहाँ पर एक इधर रूम है और एक इधर रूम है, यहाँ पे पूरा लिविंग रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन है, किचन के साथ ही इन्होंने डाइनिंग टेबल भी दे रखी है। तो गैज अभी मैं यहाँ से निकलने वाला, अभी हम लोग निकलने वाले हैं पौंडी मरीना के लिए जो कि यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर्स है हमारी लोकेशन से। तो पहले हम वो कवर करेंगे 1-2 घंटा, उसके बाद फिर हम रात में शाम में आने वाले हैं रॉक बीच पे, तो लेट्स गो। यहाँ पर हमारी नन्ही स्विमर भी रेडी हो चुकी है स्विम करने के लिए बीच पे, चलें। ओहो, तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पौंडी मरीना बीच पर और पानी की लहरें देखकर तो दिल को एक अलग ही अनुभव हो रहा है गाइस। यहां पर दिमाग दिल सब तरोताज़ा हो गया पानी को देखकर और बीच को देखकर, एक अलग ही फील आ रहा है, एक अलग ही रिलैक्सेशन है। तो गाइज ये पौंडी मरीना बीच है, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे पानी की जो लहरें आ रही हैं गाइज बहुत ही लुभाने वाली हैं, और हम कुछ ऐसे स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ पर पानी को जाके टच कर सकें, तो हम जाएंगे और देखेंगे। उस साइड हमको नज़र आ रहा है कुछ लोग वहाँ पर हैं जो पानी के पास जा रहे हैं, तो हम भी ट्राई करेंगे वहाँ पर जाने के लिए। पौंडी मरीना बीच पे आने के बाद आप सामने ही जॉली लैंड अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ पर आ सकते हैं।
वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और अडल्ट्स के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग उसके अंदर ही जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे जॉली लैंड का नज़ारा। तो गाइस पौंडी मरीना के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रॉक बीच। अब रॉक बीच पर पहुंच चुके हैं, हमारी गाड़ी यहां पर पार्क हो गई है, हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। म्यूज़ियम है यहां पर, आप अगर आप देखेंगे हमारे पास में ही, और यहां से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, अराउंड 200 to 300 meters होगा यहां से। तो अभी हम चल के आपको दिखाते हैं रॉक बीच, जो कि यहां पर कैफ़े के लिए फेमस है। तो रात में उसका व्यू एक अलग ही दिखता है। तो हम चलते हैं लेकर आपको रॉक बीच पर, लेट्स गो। तो अभी हम गाइस आ चुके हैं लॉ कैफ़े के अंदर, बहुत ही फेमस है रॉक बीच पर। आप ऊपर बैठकर सी व्यू देखते हुए कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरी डिशेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं और यहाँ पर आराम से एक घंटा या आधा घंटा बिता सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ छोटा मोटा स्नैक खाने पीने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें दिन में आएंगे तो एक अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। अभी हम लोग रात में आए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था गाइस, तो अभी रात में आपको ऊपर का दिखाता हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अब जाने वाले हैं घर पर, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेंगे, सोएंगे, उसके बाद सुबह ही सनराइज़ देखने के लिए इसी रॉक बीच पर हमको आना है, इसीलिए हम जल्दी चले जाएंगे और सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पर अराउंड 6 o'clock आ जाएंगे। तो गैस अभी सुबह का बज रहा है 5:30, हम 5 बजे उठ गए थे और हमको बताया गया था कि रॉक बीच पर सनराइज़ ज़रूर देखें अगर आपको सनराइज़ का आनंद लेना है यहाँ पर पौंडीचेरी में। तो अभी हम लोग 5:30 बजे रेडी हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ से 10 मिनट की रास्ता है, 5-10 मिनट की, और सनराइज़ का जो टाइम है वो 5:59 AM है। तो अभी हम निकलने वाले हैं रॉक बीच पर सनराइज़ देखने के लिए, तो आप देखिएगा। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रॉक बीच पर, सनराइज़ व्यू पॉइंट हमने गूगल मैप पे डाला तो वहाँ पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी दिख रहे हैं, 6 बजने वाला ही है। वाव, क्या अमेजिंग दृश्य है। तुम लोग
तो दोस्तों पार्ट वन में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली थी तो मैंने पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट टू में आपको देखने को मिलेगा एडन बीच, वाइट टाउन और बोटिंग एडवेंचर्स। तो तीनों चीज़ें पार्ट टू में मैंने कवर की हैं, तो ज़रूर देखें क्योंकि आपको आइडिया लगने वाला है कि आप पौंडीचेरी आना चाहते हैं या नहीं, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पार्ट वन में था, सनराइज़ ज़बरदस्त था, ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।